सीएम शिवराज की कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के हितों में फिर एक बार बड़ा फैसला लिया है और बारिश ओले से प्रभावित होने वाली फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने जिन फैसलों को मंजूरी दी है, इनमें ऊर्जा विभाग में आउटसोर्स के जरिए काम करने वाले लाइनमैन के लिए 1,000 रुपए का जोखिम भत्ता मंजूर, देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक और प्रतिमा स्थापित करने के लिए फ्री में जमीन देने का प्रस्ताव, एक जिला एक उत्पाद के प्रशिक्षण की योजना का प्रस्ताव मंजूर, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के तहत नए अस्पताल के लिए 972 पदों की मंजूरी, फसल क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई गई, उत्पादों की उत्पादकता ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों के साथ मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं फसल मुआवजे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मध्य प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। बढ़ा हुआ मुआवजा 1 मार्च 2023 के बाद से खराब होने वाली फसलों के लिए दिया जाएगा। पहले जो 5,000 रुपया दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब 5,500 दो हेक्टर से कम वाले को, जिसे हम लघु सीमांत कहते हैं। इसी तरह से सिंचित फसलों में जो 9,000 के स्थान पर 9,500 रुपया, 33 से 50 में 8,000 के स्थान पर 8,500 रुपया और सिंचित फसलों में 15,000 के स्थान पर 16,000 रुपया, 50% से अधिक पर 16,500 के स्थान पर 17,000 रुपये, सिंचित फसल के लिए 30,000 के स्थान पर 32,000 रुपये। वहीं कैबिनेट बैठक में मिलेट्स को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया और बैठक में मिलेट्स से बने व्यंजन परोसे गए। सीएम शिवराज ने कहा, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हर कोशिश करेंगे। जितने भी ये आपके सामने रखे हुए बिस्किट हो, बाकी हुए ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, पापड़ भी सब उन्हीं के हैं। तो ये श्री अन्न आपके सामने मिलेट्स को और प्रोत्साहित करने के लिए आज परोसा गया है। इसको बढ़ावा देने का हम हर संभव प्रयास करें। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है और इसलिए आज कैबिनेट को वही परोसा। सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले कर रही है। जनता को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार कैबिनेट के सहयोग से योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।